हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक शैम्पू का रिव्यू। आप देख सकते हो, ट्रस्ट मी, शैम्पू का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इट्स टोटली फ्री। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी हिट करिए ताकि आगे इसमें कोई वीडियो हो आपको उस नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रेसमी हेयर फॉल डिफेंस विथ केराटिन प्रोटीन शैम्पू का रिव्यू। आप देख सकते हो, इसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें मेंशन किया गया है आफ्टर वन वॉश 97% आपका हेयर फॉल कंट्रोल रहता है। मतलब सिर्फ वन वॉश के बाद, रियली ऐसा होता है? मतलब एक वॉश के बाद हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा? इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ इसका फुल रिव्यू शेयर करूंगी। एंड ये बॉटल मेरा एम्प्टी हो गया है, इसी इसमें बिल्कुल भी शैम्पू नहीं है। मैं इसको नीचे भी गिरा के दिखाती हूँ, आवाज़ सुन सकते हो। ये बॉटल मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा एम्प्टी हो गया है। इसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड रिव्यू शेयर करने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर देती हूँ कि हर प्रोडक्ट हर किसी के ऊपर सूट नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे ऊपर सूट किया या नहीं किया तो आपके ऊपर भी करे ना करे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई कोई प्रोडक्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा तो आपके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा स्किन, मेरा हेयर सब मेरे अकॉर्डिंग है। तो मैं अपना बस रिव्यू शेयर करती हूँ, पर्सनल रिव्यू। एंड डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप एक बार ट्राई करो ना करो, ऑल सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों थॉट होते हैं हमेशा। तो जो भी थॉट्स आपको सही लगे आप उस हिसाब से इसको परचेज करो। इस ये प्रोडक्ट चाहे कोई भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको परचेज करो कि वो प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी ट्रेसमी का हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। ये ना मार्केट में बहुत कम ऐसा मिलता है ना, बहुत कम मिलता है, मुझे तो जल्दी मिलता नहीं है। तो इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाता है 185 ml, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस ओनली 120 rupees है। सेल्फ लाइफ है ओनली 2 years तक, 2 years तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा 1.5 months में 2 months के अकॉर्डिंग ये मेरा ख़त्म हो गया है। एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ से आप प्रेस करो एंड यहाँ से आप निकाल सकते हो अपना शैम्पू। बट मेरा तो ख़त्म हो गया तो निकलेगा कहाँ से। एंड इसमें मेंशन किया गया है 95% हेयर ब्रेकेज आफ्टर वन वॉश ठीक हो जाता है। जो आपका हेयर का ब्रेकेज होता है, हेयर फॉल होता है, वो सब है ना आफ्टर वन वॉश कम्प्लीट, मतलब 97% कंट्रोल होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। मेरा रिव्यू पर्सनल यही है गाइस कि शायद आपको सूट करे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बट ये मुझे ओनली 30% सूट किया, उससे ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में सही बोलूँ तो स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा से वर्क किया, मतलब कि मुझे लगता है 1 month तक ये बहुत अच्छे से वर्क किया। हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट पता नहीं क्यों मेरा हेयर फॉल अब स्टार्ट हो गया। अब मीन्स कि 15-20 days से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है। तो अच्छा हुआ कि ये ख़त्म भी हो गया, क्योंकि अब मैं कुछ नया ट्राई करूँगी। नया शैम्पू मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, आ भी चुका है। मैं बहुत जल्द उसका हॉल भी शेयर करूँगी एंड वो ट्राई करूँगी। तो ये ओक्यो के काइंड ऑफ है एंड हेयर को स्मूथ कर देता है, सिल्की स्मूथ कर देता है। बट एंड ऑफ द डे कि ये थोड़ा सा ड्राई भी करता है, आपके हेयर को थोड़ा ड्राई भी कर देता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरा हेयर ऑलरेडी ड्राई है यार, ऊपर से और ड्राई हो जाएगा तो कैसा लगेगा? कौवा महाराज पहले आप ही बोल लो। तो इसके लिए गाइस ये ओके का काइंड ऑफ शैम्पू है, क्योंकि मैंने जब इससे हेयर को वॉश किया 2 months मैंने इसको यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। क्वांटिटी, सेल्फ लाइफ, प्राइस सब कुछ मैंने बता दिया। इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको केमिकल्स मिल जाते हैं, पैराबेन, अल्कोहल, ये सब तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बट इसमें आपको सल्फेट मिल जाता है, सल्फेट हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं होता, हेयर को ड्राई करता है। तो इसमें सल्फेट मिल जाता है, थोड़े बहुत केमिकल्स तो मिलेंगे ही ना, क्योंकि ये सब शैम्पू में थोड़ा केमिकल्स होते ही होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक शैम्पू तो लिया नहीं जो केमिकल्स होंगे नहीं, थोड़े केमिकल्स भी हैं। बट अगर आपको ये सूट करता है तो आप इसको ज़रूर से परचेज करो। बट ऑल ओवर मैं यही बोलूँगी कि ये मेरे हेयर को स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वर्क किया, हेयर फॉल कंट्रोल किया, उसके बाद ये हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करता है। इसमें लिखा है केराटिन प्रोटीन, तो यस, केराटिन प्रोटीन होने की वजह से हेयर स्मूथ हो जाता है, सिल्की हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा ड्राई भी हो जाता है हेयर, थोड़ा ड्राई भी हो जाता है।
तो इसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट ओके लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 30% ही वर्क किया, 70% कहाँ गया जो वर्क नहीं किया। तो यही था मेरा आज का रिव्यू, बहुत ही शॉर्ट सा रिव्यू है, बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए। अगर आपको सूट करेगा तो आप इसको ज़रूर से परचेस करो। अगर जो इसको यूज़ करते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना कि बस ये मेरे हेयर को सूट नहीं किया कि आपके हेयर को भी सूट नहीं किया। बट स्टार्टिंग में अच्छा वर्क किया यार, मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, दिल आ गया था इस पर स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मेरा हेयर फॉल अभी हेयर फॉल होने लगा, पता नहीं इसकी वजह से हो रहा था कि किसकी वजह से हो रहा था। तो अभी मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ हेयर केयर का, फिर भी सेम रूटीन होने से भी हेयर फॉल थोड़ा होता है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, ओके काइंड ऑफ है, एक बार ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 120 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल प्राइस है तो आप एक बार ट्राई कर ही सकते हो। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।